चलो भाई क्लास स्टार्ट करते हैं फिर से हम। तो जो आज का टॉपिक हमने पढ़ना है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, फिर से आप लोगों को बता देते हैं, टॉपिक का नाम है कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक इस तरीके का डिवाइस होता है जो एनर्जी को और चार्ज को स्टोर करता है। सिंपल भाषा में ऐसा समझेंगे कि कैपेसिटर इट इज अ सर डिवाइस। आवाज ना कट के आ रही है। कोई नहीं, बीच में मेरे ख्याल से थोड़ा इंटरनेट अनस्टेबल है, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप ज्यादा दिक्कत हो तो बताना, बाकी मैं लिख रहा हूं। ठीक है, इट इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, एंड इलेक्ट्रो स्टैटिक एनर्जी। सिंपल भाषा में अगर समझे कैसा डिवाइस है, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, कहाँ यूज होता है ये कैपेसिटर? जितने भी, तो सब में तो नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में ये कैपेसिटेंस यूज होता है। तो एक एग्जाम्पल जिसका मैं आपको बता देता हूँ, जब कभी पंखे की स्पीड आपके घर की कम हो जाए तो उसका जो कंडेंसर एक रहता है सिलेंड्रिक कलर का, व्हाइट कलर का, सिलेंड्रिक शेप में, वो खराब हो जाता है। तो इलेक्ट्रिशियन आता है, वो कंडेंसर चेंज कर देता है, नया कंडेंसर लगा देता है। वो जो कंडेंसर होता है वो एक तरीके का कैपेसिटर ही होता है। उसके बाद पंखे की स्पीड तेज हो जाती है मेरी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, इसमें यूज होता है। जस्ट लाइक जैसे आपका एक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, उसी तरीके से एक दूसरा डिवाइस है कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर को आप ऐसे समझ लेते हैं, इसे कंस्ट्रक्शन क्या है, एक तरफ आपकी पॉजिटिव चार्ज प्लेट रहेगी, एक तरफ आपकी नेगेटिव चार्ज प्लेट रहेगी। तो इसको हम डिनोट कर देंगे प्लस सिग्मा से, इसको डिनोट कर देंगे हम माइनस सिग्मा से। ठीक है, और इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इसका प्रिंसिपल होता है कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। अगर इस प्लेट का चार्ज बढ़ाएंगे हम, मान लो ये जो प्लस है आप इसको और ज्यादा चार्ज कर देंगे, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, पोटेंशियल इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा? क्या चार्ज बढ़ाने से पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच का इंक्रीज हो जाएगा? उससे क्या होगा? ये प्रिंसिपल है, उससे क्या होगा, कैसे होगा, वो भी हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए ये देखिए कि क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल, तो क्यू इज इक्वल्स टू आएगा आपके पास सी वी। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो एक कॉन्स्टेंट आएगा सी, और यहां से सी को हम लिखेंगे क्यू बाय वी। ठीक है, ये जो सी है मेरे पास, ये मेरे पास है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। आपने अर्लियर क्लासेस में वो पढ़ा होगी, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो वो कांस्टेंट हटा के यहाँ पर आर आई आ जाता है। तो उसी तरीके से ये रेजिस्टेंस के केस में होता है, कैपेसिटेंस के केस में क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाते तो सी आ गया, सी इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी। अब इसकी ऐसा यूनिट हम देखेंगे, तो ऐसा यूनिट रहेगी कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? जैसे देखो, डिवाइस जो होता है वो होता है कैपेसिटर, और उसका जो मेजर कर जिसमें हम उसको करते हैं उसको हम कहते हैं कैपेसिटर। देखो जस्ट लाइक मेरे पास एक रजिस्टर है, सपोज करो रजिस्टर, हम कहते हैं ना ये 2 ओम का रजिस्टेंस है। तो रजिस्टर जो होगा, रजिस्टर वो तो डिवाइस होगा, लेकिन उसका रजिस्टेंस कितना होगा, वो 2 ओम होगा। इसी तरीके से एक कैपेसिटर एक डिवाइस होगा, जिसका कैपेसिटेंस होगा वो होगा 1 फैराडे, 2 फैराडे, या पॉइंट, वैसे तो माइक्रो फैराडे में जनरली होता है। ठीक है, इस तरीके से उसकी यूनिट रहेगी कि उसका कैपेसिटेंस कितना है, मतलब वो उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी कितनी है, बेसिकली कैपेसिटी कितनी है उसकी। ठीक है, अब देखो इसकी ऐसा यूनिट क्या है। इसकी ऐसा यूनिट जो है, लिखते रहना साथ साथ अगर नहीं लिखा पिछली बार, तो ऐसा यूनिट क्या, ये यहाँ पर कूलम्ब आ गया, चार्ज को कूलम्ब में मेजर करते हैं, और वोल्ट को, वोल्टेज को वोल्ट में मेजर करते हैं। तो कूलम्ब पर यूनिट वोल्टेज और फेराडे इसकी आप ऐसा यूनिट है। ठीक है, इतना लिख लिया, इरेज कर दूं? ठीक कर है, दो भाई। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास पहला बन के आएगा। मैंने पहले डिफाइन 1 फेराडे, किसी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, डिफाइन 1 फेराडे, डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 न्यूटन, या वट एवर डिफाइन करने के लिए आए वन, तो सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, ये देखना है कि यूनिट किसकी है। फेराडे हमारी कैपेसिटेंस की यूनिट है, तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने फॉर्मूला लिखना है सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी।
सबको वन वन पुट कर देना है, क्यू इज इक्वल्स टू आप पुट करेंगे 1 कूलम, वी इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट आप पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, यहां से जो बनेगा वो आएगा 1 फेराडे, सी 1 फेराडे। अब इतना काम करने के बाद आप इसको लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे, तो वो लैंग्वेज कुछ कुछ आपको बनानी पड़ेगी। इस केस में हम ये बनाएंगे कि 1 फेराडे, लिखो जल्दी जल्दी जल्दी, 1 फेराडे इज अ कैपेसिटेंस। अगर ना समझ में आए तो थोड़ा मुझे तुरंत बताना, ऑफ अ कैपेसिटर, in which by giving 1 coulomb of charge change in potential is 1 volt। इस तरीके से आप बना सकते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन ये कहती है कि आपकी 1 फेराडे वो कैपेसिटेंस है कि अगर आप किसी भी सिस्टम में 1 कूलम का चार्ज देंगे और उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो 1 वोल्ट का होगा, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में मेरे पास जो कैपेसिटेंस रहेगा वो 1 फेराडे का कैपेसिटेंस रहेगा। तो आगे एग्जाम में तो इस तरीके से आप डिफाइन करेंगे, और मैं जब टेस्ट लूंगा तो मैं इस तरीके की डेफिनेशन आपको दे सकता हूँ, तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको हम कुछ ग्राफ्स बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ग्रिड लो, डाल लो ग्राफ्स, डाल भी लो या सिंपली आप बना सकते हो। पहला जो ग्राफ मेरे को बनाना है वो बनाना है क्यू चार्ज वर्सेस पोटेंशियल का। जैसा कि हमने प्रिंसिपल पढ़ा कि प्रिंसिपल क्या है, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, तो सीधा सीधा इसका जो ग्राफ रहेगा वो स्ट्रेट लाइन हम इसको ले जाएंगे। अब ग्राफ आए कैपेसिटेंस वर्सेस वी का, देखो भाई Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, वो कांस्टेंट है CV, यानी ये क्या है कांस्टेंट, ठीक है, तो कैपेसिटर्स एक तरीके का कांस्टेंट है उस पर्टिकुलर केस में, तो यानी वोल्टेज पे कैपेसिटेंस डिपेंड ही नहीं करेगा। सिमिलरली अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए कहा जाए एग्जाम में चार्ज वर्सेज कैपेसिटेंस का, तो नो चेंज इन कैपेसिटर्स विद रिस्पेक्ट टू चार्ज और नो चेंज इन कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल, बट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, दैट्स व्हाई वी हैव अ स्ट्रेट लाइन। ये तीनों का ग्राफ आप लोगों ने बना लिया, बन गया? नहीं रुको रुको, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। कोई प्रॉब्लम है तो अगर ऑडियो में लगता है कि नहीं पहुंच पा रही है मेरे तक आवाज तो व्हाट्सएप कर दो, मैंने व्हाट्सएप अब कर ही लिया चालू, ठीक है, तो तुरंत देख लूंगा मैं। हो गया डन, तो बताओ सब। कैपेसिटेंस हमेशा वाई एक्सिस पे क्यों ले रहे हो? इसका ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, ठीक है, रीजन आप यहाँ भी इसको हमें सिर्फ रिलेशन शो करना है, ठीक है। अगर मान लो मैं कैपेसिटेंस को यहाँ पर इस एक्सिस पे ले लूंगा और चार्ज को यहाँ ले लूंगा तो ये ऐसे बन जाएगा सीधा, पर वो ग्राफ थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। एक मिनट रुको, मैं आपको ढंग से बना के दिखाता हूँ, रुको। वैल्यू तो आ सकती है अगर क्यू वाई वी कर दे तो? हाँ उसकी वैल्यू तो आएगी आएगी, उसमें तो कोई शक नहीं। देखो होगा क्या, ग्राफ का मतलब भी तो हमको समझना है ना। अरे क्या हो रहा है, देखो अगर कैपेसिटेंस यहां ले लूं, पोटेंशियल यहां ले लूं, ठीक है, ये जो चीज जाएगी ये सीधी जाएगी, यानी पोटेंशियल में मैं कितना भी चेंज कर लूं, 1 वोल्ट जब ये था, 2 वोल्ट जब ये था, 3 वोल्ट जब ये था, कैपेसिटेंस की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। इसमें भी यही चीज हमको पता चलती है कि ये 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, यहाँ पर नो चेंज इन कैपेसिटेंस। मान लो ये 2 फेराडे था तो 2 फेराडे का 2 फेराडे ही रहा, चाहे आपने पोटेंशियल कितना ही मर्जी बढ़ा लिया। सिमिलरली चार्ज के केस में देखें, ये 1 कूलम्ब है, 2 कूलम्ब है, 4 कूलम्ब है, इस तरीके से आप चार्ज बढ़ाते जाएंगे, पर कैपेसिटेंस का वैल्यू मान लो 2 फेराडे है तो वो 2 फेराडे ही रहेगा, यानी कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है।
लेकिन इस केस में ऐसा होगा कि आप 1 वोल्ट का अगर पोटेंशियल करेंगे तो ये 1 माना जाएगा, अगर आपने ये 5 वोल्ट कर दिया तो ये भी 5 वोल्ट इस तरीके से आया। पोटेंशियल बढ़ाने से चार्ज बढ़ेगा पर कैपेसिटेंस सेम रहेगा, ये इन ग्राफ्स का मतलब है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास कि आपको एक ग्राफ दे रखा है क्यू वर्सेस वी का, ध्यान से समझते जाना। ठीक है, ग्राफ में एक लाइन ये दे रखी है आपको ए, एक लाइन ये दे रखी है आपको बी। ठीक है, नाउ आपको बताना है कि किसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। सिंपल लिख सकते हो कैपेसिटेंस ऑफ विच इज मोर, सिंपल क्वेश्चन है। कुल मिलाकर आपको यह बताना है कि सी ए और सी बी में से कौन सा कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। बताओ भाई फिगर देख के क्या लग रहा है, फॉर्मूला आपके पास ये है। चलो भाई अगर आंसर देना चाहो तो जल्दी जल्दी दे दो। बताओ भाई दुष्यंत जी क्या होगा, ए का ज्यादा होगा बी का ज्यादा होगा, सिंपल बताया तो ए का, ए का। हाँ जी सुबह जी बताओ, प्रियांश जी इकरा जी आर्य जी जल्दी बताओ किसका ज्यादा होगा, ए का बी का। ए ए ए, ए। प्रियांश ने क्या बोला, ए। कौन रह गया, हाँ भाई मैडम जी जल्दी बताओ, बोला तो ए, तो इकरा ने नहीं बोला, फिर किसी पे नहीं रहेगा है, किसी पे नहीं रहेगा, किसी पे ज्यादा नहीं होगा। ये तो क्वाइट ही बेकार आंसर है, किसी पे नहीं रहेगा। अरे देखो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमको फॉर्मूला पता है Q इज इक्वल टू सी वी, ठीक है, सी इज इक्वल टू क्यू वी, यानी किसी केस में अगर चार्ज ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, पोटेंशियल कम ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम होगा, एक तरीके से हम समझ सकते हैं। देखो अगर मैं इस फॉर्मूले को फिक्स्ड मतलब एक लाइन बना दूं ऐसे इस तरीके से, इतने पर्टिकुलर पोटेंशियल पे किसका चार्ज ज्यादा है, क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पर पोटेंशियल फिक्स कर दिया, एक पोटेंशियल है मान लो ये 1 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट के पोटेंशियल पे ए का चार्ज ज्यादा है या बी का चार्ज ज्यादा है, ए का चार्ज ज्यादा है, तो डेफिनेटली इफ क्यू ए इज मोर देन क्यू बी तो कैपेसिटेंस ऑफ ए भी ज्यादा होगा कैपेसिटेंस ऑफ बी से। ठीक है, एक फिक्स्ड पोटेंशियल पे, किस पे, फिक्स्ड पोटेंशियल, अभी तो कह रहे थे कैपेसिटेंस पे डिपेंड नहीं करता ना चार्ज पे ना वोल्टेज पे, इस पर ग्राफ बना दिया, दो अलग अलग केस है ना लाला, एक पर्टिकुलर केस में मान लो एक आपके पास सिस्टम है उसमें आप चार्ज बढ़ाओगे पोटेंशियल बढ़ाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपेसिटेंस सेम ही रहेगा, दूसरा एक केस लिया उसमें भी कैपेसिटेंस रहेगा, लेकिन अब दोनों को जब हम कंपेयर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ग्राफ से तो ये फिक्स्ड करके हमने देखा कि इसके 1 वोल्ट पर इसका ये चार्ज आ रहा है और ये चार्ज आ रहा है, तो ज्यादा चार्ज होने से हमने ये अंदाजा लगाया कि हाँ कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कैपेसिटेंस जो है वो ए का ज्यादा रहेगा। इसको आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, मान लो आप ये फिक्स कर दे और ये कर दे, अब देखो बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा तो इसलिए बी का जो कैपेसिटेंस आया वो कम आया, ए का पोटेंशियल कम है तो इसलिए ए का कैपेसिटेंस ज्यादा है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखो क्वेश्चन, लिखो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज 10 माइक्रोफेरेड, माइक्रो मतलब 10^-6, ठीक है 10 माइक्रोफेरेड एंड पोटेंशियल इज 10 वोल्ट, कॉपी नहीं मिल रही सर, क्या हुआ
कॉपी ही नहीं मिल रही, कॉपी ही नहीं मिल रही, कौन सी कॉपी नहीं मिल रही भाई, व्हाट विल बी रजिस्टर फिजिक्स वाला, नया खरीद लो। ओके सर, मिल जाएगा, जाएगा कहाँ, लॉकडाउन में उड़ के घर में ही होगा। चलो क्वेश्चन ये है, देखो जी, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज 10 माइक्रोफेरेड, आपको कैपेसिटेंस दे रखा है 10 माइक्रोफेरेड, एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी आपको दे रखा है 10 वोल्ट, व्हाट विल बी द पोटेंशियल इफ कैपेसिटेंस इज डबल्ड, व्हाट विल बी द पोटेंशियल, पोटेंशियल ओके। अब आपको फाइंड आउट करना है कि पोटेंशियल कितना होगा जब ये कैपेसिटेंस आप डबल कर देंगे। देखो जी, C इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी, ये आपके अपने फॉर्मूला लगाएंगे हम सबसे पहले, ठीक है, C इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहां से Q इज इक्वल्स टू सी वी आया, C की वैल्यू 10 इंटू 10 रेस पावर माइनस 6 फेराडे, वोल्टेज कितनी थी 10, ठीक है, ये हो गया Q। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 रेस पावर माइनस 4 कूलम ये आपका आ जाएगा। देखो समझते जाना, नहीं आए तुरंत मुझे बताना कि सर भैया ये स्टेप मुझे समझ में नहीं आया, तो हम उसको फिर से पढ़े करेंगे, ठीक है, जाने नहीं देना। सिंपल फॉर्मूला लगाया Q इक्वल्स टू सी वी, सी की वैल्यू डाली 10 इंटू 10 रेस पावर माइनस 6 जो कि माइक्रोफेराडे दे रखा है, और वोल्टेज मुझे 10 दे रखी थी, तो ये 10 और 10 100, इसको सोल्व करेंगे 10 रेस पावर माइनस 4 कूलम्ब आ गया, ठीक है। अब देखो, अब वो कह रहा कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल इफ कैपेसिटेंस इज डबल्ड। अब इसने दूसरे केस में क्या किया, अगेन अब इसने क्या किया, पोटेंशियल को डबल कर दिया, यानी क्या लिखे, अच्छा कूलम लिखे, कूलम। अब इसने दूसरे केस में क्या किया, पोटेंशियल को डबल कर दिया 2V, और अब आपको नया कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए उसने कहा है, ठीक है। तो Q देखो, Q क्या रहेगा, Q तो आपका 10 रेस पावर माइनस 4 जो हमने यहां से निकाला चार्ज, और पोटेंशियल आपने डबल कर दिया, यानी पहले 10 था, अब आपने 20 कर दिया, ये 10 है, 2 इंटू 10 यानी 20, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10 रेस पावर माइनस का आई थिंक 5 आएगा, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और ये आपका आ जाएगा फेराडे, और इसको अच्छे से सॉल्व किया जाए तो ये 5 माइक्रो फेराडे आ जाएगा। अगर आप इसको 10 रेस पावर माइनस 6 में लिखेंगे, यानी एक जीरो यहां से निकालेंगे, ये 10 आएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये बच जाएगा 5 इंटू 10 रेस पावर माइनस 6, तो 5 माइक्रो फेराडे। यानी कुल मिला के इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, सिंपल ये C इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी वाले फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, हो गया ये, आगे बढ़े। इस वाले में पहले सी निकालते ना, इसमें क्यों क्यों निकाला, कैपेसिटेंस की बात हो रही है तो पता चल जाता दोनों से रिलेट करके, बिल्कुल पता चल जाता, लेकिन हमें क्यों नहीं दे रखा था ना, हमें सी तो दे ही रखा था, सी मुझे 10 माइक्रोफेरेड गिवन है, बट व्हाट आई डोंट हैव इज क्यू, तो इसमें भी क्यों निकाल देते ना, क्यों क्यों पड़ जाता, कैसे निकाल पाते क्यों, अभी निकालने की जरूरत नहीं ना, हाँ नहीं, हाँ हम कट भी डायरेक्ट भी कर सकते थे, मान लो ये फॉर्मूला लगा देते और एक में हम Q इज इक्वल्स टू 2V ये फॉर्मूला लगा देते, अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे अगर हम, तो मान लो सी डैश बाय सी ये आपका आ जाएगा 2V बाय V, नहीं जरूरत पड़ती क्योंकि आपके पास इस, ये उल्टा होएगा, ये 2V ऊपर आएगा, अरे सही किया मैंने, चुप कर, सी डैश लिया यहाँ पर तो 2V नीचे आएगा, तो V से V कट गया तो ये आएगा सी बाय 2, इस तरीके से बन जाएगा सी। आपको देखो C 10 दे रखा था तो इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, ये क्या हुआ, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन तो दिख रही है पर ब्लैक हो गया पूरा, साफ हो गया, वो लिख लिया था आप लोगों ने, अच्छा इसमें नया पेज का भी ऑप्शन है, अब डिलीट नहीं करना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज ओपन कर लेंगे, वो लिख लिया था, चलो उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सॉल्व करना है आप लोगों ने, ठीक है। अब देखो हेडिंग डालो जल्दी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, क्या है जी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो दो प्लेट्स है आपके पास, ये वही प्लेट्स है जो पिछले चैप्टर में हमने वो जो इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट्स पढ़ी थी ना, जो चार्ज प्लेट्स थी जिनके बीच में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, तो उस तरीके से ये दो प्लेट्स है, ठीक है, एक प्लेट जो है वो आपकी प्लस है और एक आपकी नेगेटिव है,
इस तरीके के सिस्टम को हम कहते हैं कि ये कैसा सिस्टम है मेरे पास, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसका आप प्रिंसिपल लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ये या तो ऐसे आएगा, पूछा जाएगा प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और या आपसे पूछा जाएगा रीजन, रीजन बताओ, रीजन ऑफ अर्थिंग वन प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर। देखो ये दो तरह के क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है ना, यहां से हम इसकी एक प्लेट को यहां पर अर्थ कर देते हैं। अर्थ मतलब क्या होता है, आपका जितना भी चार्ज है आपकी बॉडी में, यानी आपकी बॉडी में जितना भी चार्ज है उसको आप ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो जो सारा चार्ज है वो ग्राउंड की तरफ फ्लो होके वहां से हट जाता है, ठीक है। अर्थिंग का मतलब होता है चार्ज को आप ग्राउंड में भेज देते हैं जिससे कि वो चार्ज वहां से हट जाए। अर्थिंग का मतलब क्लियर हुआ, ठीक है। तो इतना आप लोगों को हेडिंग डालिए, अब हम इसके बाद करते हैं। रीजन ऑफ अर्थिंग, रीजन ऑफ अर्थिंग वन वन प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, वन प्लेट, एक दो प्लेट है ना, एक प्लेट और दो प्लेट, दोनों में से किसी एक प्लेट को हम अर्थिंग क्यों करते हैं उसका भी रीजन यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। और पैरेलल प्लेट प्रिंसिपल अगर आप पूछ लीजिए व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो भी आपको यही डिफाइन करना है, ठीक है। चलिए अब शुरू कर। हाँ जी सर, अर्थिंग मतलब कि चार्ज, मतलब कि करंट। देखो हाँ, ये मेरे पास मान लो चार्ज है, ठीक है, कोई भी बॉडी है उस पर ऐसे इस तरीके से चार्ज है। मैंने क्या किया, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से वायर लेके, तो अब होगा क्या, ये जितना भी ये चार्ज है ये शिफ्ट हो जाएगा ग्राउंड की तरफ चला जाएगा, और अब यहाँ पर मेरा इस तरफ कोई चार्ज नहीं रहेगा। ये होता है अर्थिंग का मतलब, ग्राउंडिंग, जिसे आप लोगों ने कभी बेसिक क्लास में पढ़ा हो, ग्राउंडिंग, अर्थिंग, या जो भी आपका ये अप्लायंस रहते हैं ना, मतलब स्विच जो रहता है प्लग वाला, तीन पॉइंट होते हैं ना, तो एक आपका लाइव होता है, एक आपका न्यूट्रल होता है, और एक आपका अर्थ का पॉइंट होता है। वो पॉइंट इसलिए होता है कि जब कभी भी एक्स्ट्रा चार्ज आ जाए, मतलब एडिशनल चार्ज, तो वो आपके अप्लायंस को खराब ना करे, वो इस अर्थिंग के द्वारा ग्राउंड में पहुंच जाए, तो अर्थिंग का ये पर्पस होता है, ठीक है। चलो भाई, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, खराब हो ही जाते हैं वो। देखो खराब ये जो है, ये पूरा सिस्टम जो भी बनाया है, ये उसमें जो कहते पंखे में, उसमें होता है सब। हाँ, सब में होता है, अर्थिंग का सिस्टम सब में होता है। अर्थिंग तो होता है, कह रहा हूं प्लेट होती है उसके अंदर। हाँ, प्लेट होती है वो। देखो बेस्ड ऑन द शेप कैपेसिटर डिफाइंड करते हैं हम उसकी शेप से। जो पंखे के अंदर होता है वो इस तरीके से, तो ये अट्रैक्ट नहीं करती आप उसको, प्लेट नहीं करती, ये फिक्स्ड डिस्टेंस से सेपरेट रहती है। इस तरीके से दो वायर ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में, व्हाइट कलर का जनरली एक कंडेंसर लटका होता है, आई थिंक, देखना ध्यान से, बाहर ही दिख जाता है, बाहर लगाया मैंने, खाली लगाया मैंने। हां तो ये होता है इस तरीके से, ठीक है। अब देखो भाई, अभी इंजीनियर तो बनना नहीं हमको, जो पुराने वाले को तोड़ के अगर नहीं भी लेना उसके अंदर प्लेट, अरे ऐसा नहीं होता, नया कैपेसिटर लेना पड़ता है, 100-150 का आता है, ठीक है। अभी इंजीनियर नहीं बनना, अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है, 12th क्लास में इतना सब सीखा। मिस्त्री कहते हैं इन काम करने वालों को। ये मुन्ना है, मुन्ना, ठीक है। चलो अब देखो इसका प्रिंसिपल लिखो, पहले मैं एक बार प्लेट बना देता हूँ। अरे पेन कहाँ गया, ये रहा। मिस्त्री, कोई नहीं, मिस्त्री एक अच्छा शब्द है, इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना। आजकल मिस्त्री तो वो होते हैं जो घर बनाते हैं, बेसिकली मिस्त्री को, अरे काइंड ऑफ मिस्त्री भाई, काइंड ऑफ पूरा बोलना, बिजली वाला कहते हैं, इलेक्ट्रिशियंस, इज्जत से कहिए, इलेक्ट्रिशियन है वो, है ना। अब देखो हमने, अब ध्यान से सुनो बस, बहुत हो गया, कही थी हमने क्या किया, हमने तीन मेथड पढ़े थे कि जब हम चार्ज किसी भी चीज को कैसे बना चार्ज कर पाएंगे। तो एक हमने पढ़ा था फ्रिक्शन वाला, ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था एक राजी कि हम फ्रिक्शन से कैसे चार्ज जनरेट कर पाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कंडक्शन, और तीसरा हमने पढ़ा था इंडक्शन। तो देखो अभी दो का हमारे फ्रिक्शन में क्या है, हम दो चीजों को जनरली रब करते हैं तो चार्ज जनरेट हो जाता है। इंडक्शन में हम कंडक्शन में दो चीजों को कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज ट्रांसफर हो जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। और इसमें क्या होता है, दो चीजों को तो करते क्या, रबिंग वाला फ्रिक्शन में होता है, कंडक्शन में ज्वाइंट करके रख देते हैं और इंडक्शन में पास ला देते हैं तो वो चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब देखो
यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले प्लेट ए को चार्ज किया बाय कंडक्शन से। मैं आपको पहले प्रिंसिपल समझा रहा हूँ, फिर हम लिख लेंगे। प्लेट ए को कंडक्शन से चार्ज करा, ठीक है। इसमें बस लिखना ही है, कुछ प्रूफ भी करना है? प्रूफ नहीं करना, इसमें प्रिंसिपल लिखना है। प्लेट ए को कंडक्शन से चार्ज किया, तो जैसे ही हम प्लेट ए को कंडक्शन से चार्ज करेंगे, यानी चार्ज बढ़ गया, एक पॉइंट है पी, यहाँ पर दुष्यंत जी बैठे हैं सपोज करो, तो यानी ये जो दुष्यंत जी वाला पॉइंट है पी, इस पॉइंट का पोटेंशियल इंक्रीज हो गया क्योंकि यहाँ पर चार्ज मेरा इंक्रीज हो गया। डी लिखो, डी लिखो, हाँ ले डी ले ले, ठीक है। यानी देखो क्यू डायरेक्टली, और ये नेगेटिव वाली प्लेट को आर एन लिखो। अरे रुक जा भाई, रुक जा थम जा, वो ए फोर आर एन है, वो पहली वाली प्लेट को मान ले, ठीक है। अब देखो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के, यानी चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। हमने कंडक्शन से ये वाली प्लेट का चार्ज बढ़ा दिया, तो यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट का मेरे पास चार्ज बढ़ गया, ठीक है। अब देखो लेकिन होता क्या है, देखो होता क्या है कि जैसे ही इस पे चार्ज बढ़ा इस पॉइंट पर, लेकिन बाय इंडक्शन, इंडक्शन में मैंने आपको बताया था कि दो बॉडीज को हम साथ में लेके आते हैं, मान लो एक बॉडी प्लस है तो दूसरी बॉडी कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगी, लेकिन इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, इंड्यूस्ड, ठीक है। तो इस बी प्लेट पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है ड्यू टू इंडक्शन इस प्लेट ए की वजह से। तो जैसे ही इस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, तो अब इसने क्या किया, फिर से पोटेंशियल को क्या कर दिया, क्या करेंगे, बढ़ाएगा कम करेगा, फिर से बताओ नहीं यार तो करेगा सर वो। देखो भाई पहले यहाँ पर प्लस चार्ज बढ़ा, तो इसने क्या किया, इस पॉइंट डी पर पोटेंशियल इंक्रीज कर दिया, लेकिन ड्यू टू इंडक्शन इस वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आया, तो इसने यहाँ का इस पॉइंट का पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया, तो न्यूट्रल कर दिया उसे, मान लो न्यूट्रल कर दिया, या थोड़ा सा भी चार्ज वहाँ पोटेंशियल है तो मान सकते हैं कि थोड़ा बढ़ा फिर थोड़ा घट गया, पता थोड़ी ना इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुए तो। अरे थम जा, अब देखो क्या होता है कि फिर अगर इस तरफ नेगेटिव चार्ज है तो इस तरफ प्लस चार्ज इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो अब ये प्लस चार्ज क्या होता है, फिर से ये पोटेंशियल बढ़ा देता है, तो ये पोटेंशियल को फिर से ना बढ़ाए इसलिए हम इसको यहां से अर्थ कर देते हैं। अब क्यों ना पोटेंशियल को बढ़ाए, C इज इक्वल टू Q बाय V। ये वाले के भी नेगेटिव होंगे क्या, ये वाले के पास भी तो नेगेटिव चार्ज होगा? अरे बिल्कुल है, पर ये अभी फिलहाल हमने इसको प्लस चार्ज किया, तो इधर से हमने देखा इंडक्शन पे इधर नेगेटिव था, तो उधर भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है, उधर भी रहेगा, नो डाउट, ठीक है। अब देखो नेगेटिव चार्ज की वजह से हुआ क्या, सिंपल दोबारा देखो, एक बार दोबारा देखो, कहानी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले प्लस चार्ज आया, प्लस चार्ज ने इस पॉइंट पर पोटेंशियल को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। फिर इस वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आया ड्यू टू इंडक्शन, नेगेटिव वाले ने क्या कर दिया, इस पॉइंट का पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया। अब सिमिलर प्लेट पर इस तरफ प्लस चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, तो अगर ये फिर से इसका पोटेंशियल बढ़ा देगा, पर हम चाहते हैं कि ये पोटेंशियल ना बढ़ाए इसलिए हमने इसको अर्थिंग कर दिया। अब हम क्यों चाहते हैं कि इसका पोटेंशियल ना बढ़े, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला है कि C इज इक्वल टू Q बाय V। तो अगर देखो पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू मेरी कम हो जाएगी, तो अच्छा कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी उसकी एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी, उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी वो कम हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। तो एक अच्छा कैपेसिटर वो होगा जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो इसलिए मैंने क्या किया, इस वाली प्लेट को यहाँ पर अर्थिंग कर दिया, तो जिससे यहाँ पर पोटेंशियल जो माना जाएगा वो बढ़ा हुआ ही माना जाएगा। एक कुछ गड़बड़ होगी, पोटेंशियल बढ़ा हुआ माना जाएगा जिससे कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। जो लेक्चर्स है ना उनकी मिल जाएगी आपको। मैं क्या करूं, मैंने चार्ज उल्टे बना दिए प्लेट के अंदर। एक मिनट अब थम जाओ, कुछ नहीं उल्टा पुल्टा बनाना, अब यार ध्यान से देखो, अब जो बता रहा बना दिए मिटो दे उसे। मैंने तो उल्टे नहीं बनाए, जैसे मैंने बनाए थे वैसे बनाए थे। इकरा जी वो ऑफ कर दो अपना माइक, सर ऑफ है, दुष्यंत ऑफ कर दे फिर।
ये एक प्लेट बनाओ चुपचाप, मेरा भी ऑफ था, नहीं मेरा चालू था ठीक है, ये दूसरी प्लेट बनाओ चुपचाप, और ये प्लेट की तरह ही बनाना, यहाँ प्लेट की तरह दिख नहीं रही पर प्लेट की तरह ही बनाना ठीक है। इस ये प्लेट दूसरी है, इस प्लेट को ना सेम प्लेट है, मैं लिखवा रहा हूँ ढंग से उतारना है आपको, ये प्लेट किसके यहाँ टीवी चल रहा है बंद कर दो, मतलब म्यूट कर दो ठीक है। ए प्लेट बी प्लेट, ये एक पॉइंट है पी ठीक है। अब यहां पर आप लोग लिखो जो मैं बोल रहा हूं, व्हेन प्लेट ए ऑफ ए कैपेसिटर इज चार्ज पॉजिटिव बाय कंडक्शन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्लेट ए को चार्ज कर दिया पॉजिटिव, किससे, कंडक्शन से चार्ज कर दिया ठीक है जी, बिल्कुल कर दिया जी। तो क्या हुआ, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी इंक्रीजेस, पोटेंशियल एट पॉइंट पी इंक्रीजेस बट ड्यू टू इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज इट डिक्रीजेस। ठीक है, एंड थस लिखते जाना साथ साथ। तो लास्ट है कैपेसिटेंस, अरे रुक जाता काका रुक जा, एंड कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कौन सा फॉर्मूला, सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी। इफ आउटर सरफेस, अब यहाँ लिखो, यानी अब क्या हुआ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंडक्शन से इंड्यूस्ड हो गया। इफ आउटर सरफेस is not grounded, positive charge on outer surface will increase the potential at ठीक है। अगर यहां से हम ये जो आउटर सरफेस पे रहेगा इसको ग्राउंडेड नहीं करेंगे तो ये फिर से इस पी पॉइंट का पोटेंशियल बढ़ा देगा, तो दैट्स व्हाई हम इसको ग्राउंडेड करते हैं ताकि पोटेंशियल ना बढ़े दोबारा से, वो फिक्स्ड रहे। एक बार इसको मैं दोबारा और अच्छे से देखूंगा, अभी के लिए आप इतना लिख लीजिए। ये लिख लिया तो आगे बढ़े, खत्म कर दो क्लास। रुको एक सेकंड, दो मिनट रुको। अभी मुझे इसके बाद एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन और कराना है, वो आज ही की क्लास में हमको करना है ठीक है, और इस मीटिंग में बचे तीन से चार मिनट सिर्फ। इकरा जी आपकी आज तो कोई क्लास नहीं है ना, ना ठीक है, नहीं नहीं हाँ, तो एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन और करना है, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट लिंक भेज रहा हूँ, उसको आप पबजी खेलना है इसके बाद, हाँ वो खेल लीजिए, वो 10-15 मिनट का वो डेरिवेशन चलेगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा ठीक है। पबजी अनबैन हो गया ना, तो वो मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग का लिंक भेज रहा हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों की छुट्टी कर देंगे वो, लेकिन एक्सप्रेशन हमको आज करना है ठीक है, ये वाली मीटिंग आप लोग छोड़ सकते हैं। ये क्या लिखा है पोटेंशियल एट पॉइंट पी के बाद, कुछ है इसके बाद, नहीं वो नहीं खत्म हो गया, पॉजिटिव चार्ज ऑन आउटर सरफेस विल इंक्रीजेस द पोटेंशियल पी, यहीं तक है,
हाँ यहीं तक है।